रे दास जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जिस कठौते में लोगों के जूता चप्पल को धोते थे सीते थे उस कठौते में से रैदास जी ने भगवती गंगा जी को प्रकट कर दिया था। तभी से कहावत हो गया क्या कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वह प्रसंग इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण देवता रोज जो है गंगा जी को फूल चढ़ाने के लिए जाते थे। रास्ते में जो है रैदास जी का कुटिया पड़ता था, तो एक दिन उस ब्राह्मण देवता ने रैदास जी से कहा कि रैदास जी आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप भी आज जो है हमारे साथ में गंगा जी में चलिए, वही गंगा जी में स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, आप भी चलिए। उस समय रैदास जी ने कहा, महाराज मेरे पास तो इतना समय नहीं है, बहुत सारे चप्पल जूते सीने होते हैं और फिर उन चप्पल जूतों को सी करके जो कुछ धन आता है उससे हम अपना पेट भरते हैं और उसी पैसे से हम साधु महात्माओं की सेवा भी करते हैं। अतः जाने की इच्छा तो मुझे भी है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप जा ही रहे हैं तो ये दो केला लेकर जाइए और मेरी ओर से आप गंगा जी को यही अर्पित कर दीजिएगा और गंगा जी प्रसाद के आशीर्वाद के रूप में जो मुझे दें वो मुझे आप लाकर दे दीजिएगा। ब्राह्मण देवता संत रैदास जी के हाथ से प्राप्त उस दो केले को लेकर के चल पड़े और ब्राह्मण देवता गंगा जी के पास पहुंच करके सबसे पहले तो अपना फूल अर्पित किए और उसके पश्चात जो है रैदास जी के द्वारा दिए गए दो केला को अर्पित किए। जैसे ही केला को अर्पित किए उस बहती हुई गंगा की धारा में से भगवती गंगा जी का एक हाथ प्रकट हुआ और गंगा जी ने रैदास जी के द्वारा दिए गए उस केले को अपने हाथ में स्वीकार कर लिया और अंतर्धान हो गई। और फिर कुछ देर के बाद जो है उसी गंगा जी की धारा में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और उसमें सुंदर कंगन था। गंगा जी ने वह कंगन जो है ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि मेरा यह प्रसादी जो है आप रैदास जी को दे दीजिएगा। इतना कह करके गंगा जी अदृश्य हो गई, अप्रकट हो गई और वह कंगन को लेकर के ब्राह्मण देवता जो है जब रैदास जी के पास जा रहे थे तो उनके मन में जो है लोभ आ गया। गंगा जी ने ये कंगन दिया है, सोने का कंगन दिया है, तो यह कंगन रैदास जी तो देखे नहीं, उनको तो कुछ पता नहीं है, अतः मैं जो है यह सोने का कंगन उनको नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण देवता अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की कि वह ब्राह्मण देवता जहां से भी अपने घर पर जाते रास्ते में रैदास जी का घर आ जाता, उनकी कुटिया आ जाती। फिर वो ब्राह्मण देवता किसी और रास्ते से अपने घर जाते, फिर रास्ते में रैदास जी की कुटिया आ जाती। इस तरह से वह विप्र अपने घर पर जाने का बहुत प्रयास किए लेकिन जा नहीं पाए, रास्ते में रैदास जी की कुटिया आ जाती। अंततो गत्वा हार करके उस पंडित जी ने वह सोने का कंगन श्री रैदास जी को दे दिया और सारा घटना बता दिया। रैदास जी को दया आई और उन्होंने वो सोने का कंगन उस ब्राह्मण देवता को ही दे दिया। अब ब्राह्मण देवता जो है वह कंगन अपने घर पर लेकर के गए और कुछ दिनों के बाद जो है कस्या का कोई सुनार मिला होगा। ब्राह्मण देवता ने वह सोने का कंगन कस्या के किसी सुनार के हाथों बेच दिया
अब सुनार जो है उसको खरीद लिया, और खरीद करके फिर सुनार ने क्या किया, वह काशी जो नगरी थी उस नगर के किसी सेठ के हाथ में बेच दिया। और इस तरह से खरीदते बेचते बेचते इस तरह अंत में जो है वह सोने का कंगन काशी के राजा की जो रानी थी उनके पास पहुंचा, और रानी को वह सोने का कंगन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब ये कंगन तो बड़ा अच्छा है लेकिन एक ही है, अगर दो हो जाए तो दोनों हाथ में पहनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अतः राजा साहब आप जो है ऐसा ही एक और भी कंगन बनवा दीजिए। राजा साहब ने उस कंगन के जैसा दूसरा कंगन बनाने के लिए सुनार को बुलवाए, बहुत बड़े बड़े कारीगर को बुलाए, हमारे हीरालाल प्रभु जी को बुलाए, कस्या के कारीगर, बहुत बड़े बड़े कारीगरों को बुलाए, लेकिन सारे कारीगरों ने कहा कि राजा साहब ये जो सोने का कंगन है ना, यह सोने का कंगन तो भगवान ही ऐसा दूसरा बना सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बना सकते, ये भगवान का बनाया हुआ कंगन लगता है, हम लोग ऐसा नहीं बना सकते। इस तरह से सब लोगों ने मना कर दिया। अंत में रानी जिद करने लगी कि नहीं मुझे इसका दूसरा भी जोड़ा चाहिए, ऐसा ही हमको दूसरा चाहिए। अब जो है राजा बड़े दुखित हो गए, और राजा ने पता लगवाया कि कंगन आया कहां से, तो पता करते 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 पता चला कि यह कंगन जो है रैदास जी के यहां से मिला है। अतः अंत में काशी के राजा जो है रैदास जी के पास गए। रैदास जी उस समय अपने कठौता में जो है जूता धो रहे थे और उसको सी रहे थे। राजा साहब ने चरणों में प्रणाम किया और वंदना किया, निवेदन किया कि महाराज मेरी धर्म पत्नी को बड़ी इच्छा है कि ऐसा ही कंगन उनको एक और चाहिए, आपके द्वारा ये मिला है, अब एक और कंगन आप दे दीजिए, इसके बदले में आप जो चाहे वो ले लीजिएगा। सबसे पहले तो रैदास जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि साधु महात्मा जो सच्चे महात्मा होते हैं वो ये सब चमत्कार दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो तो भगवान से प्रेम करने में इतने मस्त रहते हैं कि उनको अन्य कार्यों के लिए फुर्सत ही नहीं होता, साफ साफ मना कर दिया। लेकिन राजा ने बहुत विनती किया तो अंत में रैदास जी जो है उस जूता चप्पल को सीना छोड़ करके और भगवान का भजन करना प्रारंभ किए। भजन करने के पश्चात माँ गंगा से प्रार्थना किए कि माँ गंगा आप जो है कृपा करके जैसा आपने पहले सोने का कंगन दिया है वैसा ही एक सोने का कंगन और दे दीजिए। रैदास जी की प्रार्थना करना था कि उसी समय रैदास जी के उस जूता धोने वाले कठौते में ही श्री गंगा जी का दिव्य हाथ प्रकट हो गया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया जी का हाथ प्रकट हो गया और उस हाथ में सुंदर दिव्य सोने का वैसा ही कंगन विराजमान था। माता गंगा ने वह कंगन रैदास जी को दिया और माता गंगा वहां से अप्रकट हो गई, और रैदास जी ने वह सोने का कंगन राजा को दे दिया। राजा जो है रैदास जी के इस भक्ति को जब प्रत्यक्ष आंखों से देखा तो उनको रैदास जी में बड़ी अपार निष्ठा हो गई। उसी दिन से काशी के राजा जो है वह भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के नाम का जप करने लगे, भगवान से प्रेम करने लगे, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। तो चूंकि
रैदास जी के जूता धोने वाले कठौते में से गंगा जी प्रकट हुई थी, तभी से यह जगत में कहावत हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से कहावत हो गया। कई बार लोगों को भजन करने के लिए कहा जाता है तो लोग भजन तो नहीं करते हैं, लोग यही कहावत कह देते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा रही ना तो कठौती में गंगा जी प्रकट हो जाई हैं। लोग ऐसा कहते हैं, बात भी सही है, लेकिन मन चंगा होगा तब न कठौती में गंगा प्रकट होंगे। पूरा इतिहास पढ़ लिए, लेकिन रैदास जी के कठौते के अलावा जो है किसी के कठौते से गंगा जी प्रकट हुई? खाली लोग यही कहते रह गए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन किसी के कठौती से गंगा प्रकट हुई, और वो भी चप्पल जूता धोने वाले कठौते के भीतर से नहीं प्रकट हुई? क्योंकि हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन हम सब लोगों का मन चंगा नहीं है ना, इसीलिए गंगा जी प्रकट नहीं होती हैं। इसीलिए अगर हमको कठौते से गंगा को प्रकट करना है तो हमको सबसे पहले अपने मन को चंगा करना पड़ेगा। और मन कैसे चंगा होगा, मन कैसे पवित्र होगा? मन को पवित्र करने का उपाय है भगवान का भजन। रैदास जी भगवान का भजन करते थे तब उनका मन पवित्र हुआ, और मन पवित्र हुआ तब उनके जूता धोने वाले कठौते में से गंगा जी प्रकट हुई। भजन करते थे इसलिए मन पवित्र हुआ। इसीलिए मन को चंगा करना चाहते हैं तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक बार कबीरदास जी से पूछा गया कि मन कैसे चंगा होगा, मन कैसे पवित्र होगा, तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा यह मन मलीन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो, कै छूटे सत संग। कबीर जी ने कहा कि देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, केवल यह कहने से मन चंगा नहीं होगा, केवल यह कहने से मन पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने का दो ही साबुन है। अगर इस मन को पवित्र करना है तो आप जो है सत्संग रूपी गंगा में स्नान कीजिए तो यह मन पवित्र हो जाएगा। अगर इस मन को पवित्र करना चाहते हैं तो हरिनाम रूपी साबुन से दिन रात इसको रगड़िए, तब यह मन जो है पवित्र होगा। यह मन जो है सत्संग रूपी साबुन से पवित्र होगा, हरिनाम रूपी साबुन से पवित्र होगा। इसीलिए मन को पवित्र करना चाहते हैं तो सत्संग रूपी साबुन लगाइए, अर्थात सत्संग कीजिए, हरिनाम रूपी साबुन लगाइए, अर्थात हरिनाम का जप कीजिए, तब मन पवित्र होगा। तुलसीदास जी से पूछा गया कि मन कैसे पवित्र होगा, तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मन कब न जाई, अभ्यंतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि देखो, जब तक हम भगवान के प्रेम और भक्ति रूपी जल से इस मन को स्नान नहीं कराएंगे, तब तक जो है आप लाख साबुन लगा लीजिए, यह मन की गंदगी नहीं धुलेगी। इस मन की गंदगी को धोना है तो भगवान की प्रेम और भक्ति रूपी जल से इसको नहलाना पड़ेगा, अर्थात भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, सत्संग करेंगे, तब यह मन जो है पवित्र होगा।
और जब मन पवित्र होगा तब हमारी कठौती में गंगा जी प्रकट होंगी। नहीं तो खाली मन चंगा तो कठौती में गंगा खाली कहने से नहीं गंगा जी प्रकट हो जाएंगे। आज तक प्रकट नहीं हुई, खाली लोग कहते तो रह गए। रैदास जी के कठौती को छोड़कर के आज तक किसी के कठौती से गंगा जी नहीं प्रकटी। तो इस तरह से रैदास जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे, रैदास जी जिस कठौते में जूता और चप्पल धोते थे उस कठौते में से श्री गंगा जी प्रकट हुई थी।